अरबी जमात का अंदाज क्या था, करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवाफे विदा की क्या कैफियत थी, किसी एक ने भी नहीं पूछा। अच्छा यार, सब ने पूछा तो फिर क्या पूछा, सब ने एक जुबान होकर कहा, अबू तुफैल यार अगर मिल ही गए हो बताओ ना फिर हुजूर कैसे थे। मिल ही गए हो बताओ ना हुजूर कैसे थे। अब तीन लफ्जों के अंदर हुजूर का बुलिया बयान कर दिया है जनाबे अबू तुफैल रजी अल्लाह तआला ने, फरमाते हैं अब यद मलीहन मुकसर, एक तो मेरे हुजूर का रंग बड़ा गोरा था, हुजूर का चेहरा जो था वो सफेद था, अल्लाह अकबर, अजहर लौ के अल्फाज अहादीस में आते हैं क्या करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बड़ा चमकदार था, अल्लाह अकबर, या जिसने भी हुजूर का चेहरा देखा वो भी देखता ही रह गया, जिसने हाथ पकड़ा तो उसने भी कह दिया कि यार मैंने एक बार रसूलुल्लाह के हाथों में हाथ डाला था, क्या बताऊं वो कैसा हाथ था, साल हाथ साल गुजर गए अभी तक उसकी नरमी का नक्श ही दिल से नहीं गया, और सबसे मुलायम हाथ मेरे रसूलुल्लाह के थे, जिसने कदम देखे उसने भी कह दिया जितने कदम मेरे रसूल के सोने थे किसी के भी नहीं थे। मुझे यहां पर याद आ गई हजरत मेमूना बिनते कद्दम रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने वालिदे गिरामी के साथ हुजूर की ज़ियारत के लिए गई, जब हुजूर की ज़ियारत के लिए गई ना तो फरमाती है कि मेरे वालिद ने आगे बढ़कर हुजूर की नाका मुबारक को पकड़ लिया, तो हुजूर के पांव मुबारक को पकड़ा, नाका मुबारक पर हुजूर सवार थे, तो जब मेरे वालिद ने पकड़ा ना हुजूर के पांव को तो मैंने उस वक्त हुजूर के पांव की ज़ियारत की। फरमाती है इतनी सोनी नुड़ियां थी हुजूर की, इतनी सोनी नुड़ियां थी बल्कि अंगूठे की साथ वाली उंगली की मैंने ज़ियारत की उसका नक्शा ही अभी ज़हन से नहीं गया। यार जिस मोहम्मद की उंगलियां इतनी सोनी हैं, जिस मोहम्मद के पांव इतने सोने हैं, उस मोहम्मद के चेहरे का आलम क्या।